सिलेंड्रिकल सीटिंग का और एक है टेपर्ड सीटिंग का। फोल्ड वाया फिटिंग टूल, आप ये करते हैं हम माउंटिंग डॉली से, द विद हीट इंडक्शन हीटर डिपेंडिंग ऑन बेरिंग साइज, ये आप करते हैं। टेपर्ड में कोल्ड वाया फिटिंग टूल करते हैं आप लॉक नट चढ़ा के, ठीक है, स्पैनर से। हाइड्रोलिक मेथड, ड्राइव अप मेथड, मेथड यूजिंग हाइड्रोलिक नट एंड पंप, ये आप करते हैं। ये दो तरह का है। कोल्ड माउंटिंग में क्या है, नो कंटेमिनेशन, नो इम्पैक्ट ऑफ डैमेजेस अप टू 50 मिलीमीटर बोर साइज, सिंपल है, आप कराते रहते हैं। अब ये आ जाता है कोल्ड माउंटिंग फॉर टेपर्ड बोर। ये स्पेशल एक किट मिलती है जिसके अंदर ये स्पैनर के सेट होते हैं, आपके पास है, इस पे निशान लगा होता है। आप हाथ से टाइट करने के बाद जब स्पैनर डालते हैं तो इसको घुमा के इस निशान पे लाके छोड़ देते हैं, आपकी इंटरनल क्लियरेंस रिड्यूस होके माउंटिंग हो जाती है। ये तरीका कार है वाई बेरिंग को माउंट करने का। आप उसको प्लेस करते हैं, पुश करते हैं और इससे आप उसको प्रेशराइज करके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, वाई बेरिंग का, यूसी का। और ये साइडों पे आपके उसकी बॉडी के साथ नट लगे होते हैं, शाफ्ट इसके अंदर आ जाती है और इसके ऊपर यहाँ पे जो होता है वो ये एलन की से आप शाफ्ट पे टाइट कर देते हैं। ये सिलेंड्रिकल स्फेरिकल रोलर बेरिंग और का जो आप उसकी इंटरनल क्लियरेंस चेक करते हैं फिलर गेज से, वो किस तरीके से चेक करते हैं, अगर तो है आपका वो जो है ना फ्रॉम टॉप से करेंगे, अगर वो टेबल पे पड़ा है, देखिए टेबल पे पड़ा है तो आप टॉप से चेक करेंगे। अगर हैंग किया हुआ है, ये कौन सा, ये हैंग किया है शाफ्ट पे, तो आप नीचे से चेक करेंगे। अगर आपने उसको क्या किया हुआ है फॉर वेरी लार्ज साइज बेरिंग, आप साइडों से चेक करते हैं, ठीक है। अब ये तरीके कार है रेडियल इंटरनल क्लियरेंस ऑफ स्फेरिकल रोलर बेरिंग विद सिलेंड्रिकल बोर, ये हमने चेक करनी है। चार्ट ये दिया है, C3 है, बेरिंग का बोर 160 है, तो ये हमारी आएगी 170 से लेके 220 के दरमियान नए बेरिंग की। अब हम ये चेक करते हैं टेपर्ड बोर की, डिफरेंट होगी। अब हम चेक करते हैं ड्राइव अप जो देना है हमने, ये एक नई चीज आपको बताता हूं। आपका बेरिंग है जिसका बोर है 180, ठीक है, 180 बोर का पहली चीज ये देखिए, बोर रिडक्शन ऑफ इंटरनल रेडियल इंटरनल क्लियरेंस, एक्सियल ड्राइव अप, लॉक नट टाइटनिंग एंगल एस जो है ना 1:30, और ये जो है इसको क्या कहते हैं आप, K30 इसको कहते हैं ना, 1:30, दो डिफरेंट रेशियो हैं टेपर की। आपका बोर डायमीटर मिसाल के तौर पे 50 है, ठीक है, इंटरनल रिडक्शन कितनी होगी 20 से 25 माइक्रोन रिड्यूस कर ले। ड्राइव अप कितना देंगे 37 से 44, ये एक एंगल दिया 130। अगर आपका बेरिंग आप लेते हैं और उस बेरिंग को पेपर पे रख लेते हैं, पेपर सादा वाइट पेपर, पेपर पे रख के, ये आपका पेपर है, इस पे आपने ये बेरिंग रख लिया, प्रोटेक्टर होता है डी आपने रख के बेरिंग का निशान लगा लिया, उसके ऊपर डी रखी, ये डी के साथ आपने मेजर किया 130 अगर वहां दिया हुआ है तो यहाँ कितना हो गया 90, यहाँ कितना हो गया 90 + 45 135, तो इसका मतलब यहाँ कहीं पे एक निशान लग गया, एक यहाँ लग गया लॉक नट के ऊपर। ये निशान लगाने से पहले लॉक नट को हाथ से टाइट करके फुल जितना भी आपका जोरदार आदमी घुमा सकता है घुमा के वापस उतारे और फिर ये निशान लगाए, उसके बाद इस लॉक नट को निकालें, लगाएं, वॉशर रखें, स्पैनर पकड़ें, शाफ्ट पे एक ये निशान लगाएं, एक ले लगाएं, इसको घुमा के यहाँ ला के छोड़ दें। यानी आपने 130 के एंगल पे घुमा दिया बेरिंग को। 130 एंगल पे घुमाने से क्या होगा कि आपका बेरिंग जो है वो थ्रेड पे ट्रेवल करते हुए पुश करेगा, लॉक नट पुश करेगा बेरिंग को, ड्राइव अप दे देगा।